Welcome back to my channel Style and Tips by Pooja. This is me, your Pooja, and welcome back to another exciting video. So guys, in this video I am going to create this makeup look and आप कह सकते हो ये एक wedding guest makeup tutorial है. बहुत ही कम समय में एंड बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए मैंने इस लुक को क्रिएट किया है. सो आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा. एंड ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है जिनके पास बहुत सारा मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है या फिर जो लोग उतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करते उनके लिए. तो चलो आज की वीडियो इसी से ही स्टार्ट करते हैं. लेकिन जाने से पहले अगर पहली बार आया मेरे चैनल पर देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट्स फ्री टू सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन ताकि वेन एवर आई एम अपलोडिंग अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन. And you can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. So without further ado, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हेयर को मैनेज कर रही हूँ ताकि मेरी फेस पे बाल ना आए मेकअप करते वक्त. तो मैंने इसीलिए एक बो यहाँ पे लगा दिया है एंड इसको मैंने लिया था एस्प्लैनेट से. लास्ट आप मेरी एस्प्लैनेट ब्लॉग भी देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके. तो चलो मेकअप को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे हैंड को मॉइस्चराइज कर रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है द फेस शॉप की चेरी ब्लॉसम हैंड मॉइस्चराइजर. ये हैंड क्रीम बहुत ही कमाल की है. मुझसे अगर हो सके तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस गार्नियर LC सीरम. एज सच इसमें विटामिन सी है तो यह आपके हाइपर पिगमेंटेशन को घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड स्किन को इवन टोन बनाता है. ठीक है, तो मैंने बहुत हल्के हाथों से इसे मसाज कर दिया है ताकि मेरी जो स्किन सेल्स है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले एंड स्किन जो है वो हाइड्रेट लगे. उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन की मेकअप बेस. एंड गाइज आपने शायद देखा होगा कि मैंने लास्ट कुछ वीडियोज़ में लगातार इस मेकअप बेस को यूज़ किया है क्योंकि दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट. बस थोड़ी सी कॉस्टली है क्योंकि हाई एंड ब्रांड है. और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक की ये लिपस्टिक और ये है इन द शेड एम्ब्रेस मी. इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और एप्पल ऑफ द चीक्स एंड लिटिल बिट मेरी नोज पे देते हुए मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ अपनी फिंगर टिप की मदद से. अभी बारी आती है एक इल्यूमिनेटर की. तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शुगर की इल्यूमिनेटर मॉइस्चराइजर और ये है इन द शेड 02 पिंक ट्रिपिन. और जो भी मेरी यूजुअल हाई पॉइंट्स है वो वहाँ पे मैं यहाँ इसको अप्लाई कर रही हूँ. आज बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी मैंने इस वीडियो को एडिट किया है ताकि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ. तो थोड़ी अगर भूल चुका हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. नेक्स्ट आप आई हैव दिस शुगर की एस ऑफ फेस फाउंडेशन एंड आई एम अप्लाइंग दिस ऑल ओवर माई फेस. और ये एक स्टिक फाउंडेशन है तो जब भी आप कोई भी यू नो स्टिक फाउंडेशन को अप्लाई करो तो उससे एक ब्रश की मदद से ही ब्लेंड कर लेना. ब्रश में थोड़ी सी मेकअप सेटिंग स्प्रे देते हुए तो मैंने भी वही किया है. शुगर की मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है डीवी वाला और सर्कुलर मोशन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ. जब भी आप लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करो सो यू कैन यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर एज वेल. तो अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेने के बाद बहुत ही अगर आपको लगता है कि हाँ एक सेटिंग स्प्रे की ज़रूरत है या फिर मेल्ट नहीं हो रहा है ठीक तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो. उसके बाद फेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टे कोर्की की कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और ये है इन द शेड 4. इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड एक फेस ब्रश की मदद से मैंने जो मेरी यूजुअल पॉइंट्स है वहाँ पर अप्लाई किया है. एंड लास्टली उसकी जो स्पॉन्ज टिप एप्लीकेटर थी उसकी मदद से मैंने पूरी फेस को सेट कर दिया है. लास्टली आईलिड पे मैं फिर से वही क्लिनिक की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ. अभी बारी आती है आई शेडो की. मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन की रॉक्सी पैलेट. गाइस दिस इज सच एन अमेजिंग आई शेडो पैलेट. अगेन इसकी जो कलर पिगमेंटेशन है
लाइक कलर पे ऑफ है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटू सा ब्लूमिंग ब्रश लिया है और उसकी मदद से मैं एक रेड शेड को अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। देन ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने एक पीची सा शेड को यूज़ किया है, एंड जहाँ पे मैंने मेरी जो रेड आई शेडो है उसकी जो एकदम एज है वहाँ पर मैं ब्लेंड कर रही हूँ। लास्टली मैंने एक डीप ब्राउन शेड को लेते हुए मेरी जो आउटर वी है वहाँ पर मैं एक एंगुलर ब्रश की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, और ये है एक एंगुलर आई शेडो ब्रश। और सबसे पहले सॉरी उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। नॉर्मली ब्लेंड हो जाने के बाद मैं आईलिड के बीच में अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये ग्लिटर आई शेडो, और इसका शेड मुझे इस टाइम पे तो याद नहीं है, लेकिन आप नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। देन मैं यहाँ पे अपनी इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ, एंड लोअर लैश लाइन पे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है एक डीप ब्राउन शेड को, जो मैंने मेरी आउटर वे पे अप्लाई किया था उसको ही एक स्मॉल एंगुलर ब्रश की मदद से। आईब्राउज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की आईब्राउ पेंसिल, और ये है इन द शेड ब्राउन। बहुत ही प्यारा सा एक आईब्राउ पेंसिल है, एकदम लाइक नेचुरल लुक आपको प्रोवाइड करता है। लोअर लैश लाइन को टाइटन अप करने के लिए मैंने यहाँ पे दो काजल को यूज़ किया है, पहली वाली है शुगर की एंड दूसरी वाली है ये NYBA की गोल्डन काजल। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पर्पल की मस्कारा, और कर्ल एक्सटेंशन मे बी आई एम नॉट दैट रॉन्ग, ये कर्ल एक्सटेंशन है और दिस वन इज़ वाटर प्रूफ। तो अच्छे तरीके से मैं अपनी लोअर एंड अपर लैश लाइन को तीन चार कोट कर लूँगी। देन बारी आती है ब्लश की, ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है शुगर की सटल समिट पैलेट में से इस ब्लश शेड को, और ये काफ़ी मिलता जुलता है शुगर की मॉव मार्वल वाली शेड से। मैंने यहाँ पे आज फेस को कॉन्ट्रोल नहीं किया है क्योंकि एज सच बहुत सारे लोगों को उतना ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं होता है इसी वजह से। देन मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शुगर की मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसमें आपको तीन तरीके की सेटिंग स्प्रे मिलती है, ड्यूवी, देन एक हाईलाइटिंग वाली, और लास्टली यू विल गेट दिस मैट वन। एंड हाईलाइटर के लिए मैंने फिर से वही सटल समिट पैलेट में से हाईलाइटर शेड को लिया है। लिपस्टिक के लिए अगेन मैं क्लिनिक की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, पर्पल की स्प्लर्ज शॉप पे आपको हाई एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, और उस पर उसके ऊपर मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ निक्स की लिप ऑयल ताकि एक ग्लॉसी इफेक्ट मिले। और विंटर आने के कारण आपकी लिप्स बहुत चैप्ड हो जाते हैं अगर आप यू नो मैट लिपस्टिक्स यूज़ करो तो उससे अच्छा है कि आप इस तरीके का ही एक लुक कैरी करो, एकदम लाइक प्रॉपर लगता है। इयररिंग्स मैंने यहाँ पे वेयर किया है एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड मैंने जो ये इयररिंग्स वेयर किया है ये मुझे किसी एक इंस्टाग्राम पेज से भेजा गया था, मैं उनकी अगर लिंक हो सके तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड लास्टली गाइस, पर्पल पे स्टार्ट हो चुकी है क्रिसमस की सेल, आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, यहाँ पे आपको मोर देन 500 ब्रांड्स पे अप टू 50% तक का ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। एंड मैंने तो नीचे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स है वो मैंने दे दिया है, फिर भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर इसमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको अपने लिए लेना है तो आप लिंक में जाके ले सकते हो। मैं आज की वीडियो यहीं पे खत्म कर रही हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।